हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल वायरल पेपर। ऐसा ही आएगा आप सभी का 3 मार्च सामाजिक विज्ञान का पेपर। अगर आप सभी लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का इस बार बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे, सभी प्रकार के जो प्रश्न सभी का हल हम आप सभी को बताएंगे, और साथ ही साथ हम आप सभी को मानचित्र किस तरह से आपको भरना है, ठीक है, पूरे के पूरे मानचित्र को भरकर बताएंगे, और यहाँ पे हम आपको मानचित्र भरने का ट्रिक भी बताएंगे। तो यहाँ पे अगर आप सभी लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप लोग अपने 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में बिल्कुल धुआं धुआं कर दोगे, आप लोग बिल्कुल आग लगा दोगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन जितना भी इस पेपर में बताएंगे सभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग सिर्फ यहाँ पे आप लोग इस पेपर को तैयार कर लिए तो आप लोग 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान के पेपर में बिल्कुल छाप के आओगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को पूरा का पूरा ये पेपर समझ में आएगा, सभी क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये मानचित्र है, इसको हम आप सभी को भर के बताएंगे किस तरह से आपको भरना है, क्योंकि ये आप सभी के सामाजिक विज्ञान क्लास 10 के पेपर में 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, चुटकियों में आप लोग समझ जाओगे। सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि जो आप सभी का क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर होता है, ठीक है, वो पूर्णांक 70 का होता है, और इसमें जो समय मिलते हैं वो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, और ये 15 मिनट आप सभी को इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन न्यू पैटर्न के अनुसार आप सभी के एग्जाम में आएंगे इस बार, ठीक है। उसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे देना है, ठीक है, किस तरह से देना है आप सभी को ये भी हम आप सभी को बताएंगे, तो आप लोग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि 50 अंकों का वर्णात्मक प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो 2 वर्णात्मक प्रश्न है, यानी वर्णात्मक प्रश्न पहला और वर्णात्मक प्रश्न सेकंड, ठीक है। और इसके साथ साथ आप सभी के सोशल साइंस में मानचित्र संबंधित कार्य भी आते हैं, ठीक है, मानचित्र संबंधित प्रश्न भी आते हैं 10 नंबर में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला खंड अ है जो कि 20 नंबर का, यानी इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे देना है। तो यहाँ सबसे पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ब, यानी जो नेपोलियन है ये वियना संधि से संबंधित है 1815 के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व तो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि सभी जाति, ठीक है, समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, तो ये गलत है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बी कि सभी जाति समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, ये भी गलत है। इसके बाद नेक्स्ट है स कि संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन इसमें दूसरे का स राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई, ठीक है। ये देखिए अगर आप लोग सही कर देते हो 20 बहुविकल्पी तो आपको 20 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है बाढ़ के कारण, तो ये बिल्कुल गलत है, सूखे के कारण ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा है महामंदी के कारण, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन स जो है वो राइट है, क्योंकि जो महामंदी है इसमें क्या होता था कि उत्पादन बहुत ज्यादा होती थी, खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन क्या उसके जो खरीदारी होती थी वो बहुत ही कम होती थी, इसलिए उसकी कीमत जो है वो बिल्कुल घटा दी गई थी, ठीक है, स ऑप्शन राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थापक निम्नलिखित में से कहां पर स्थित था, ठीक है, तो वो अमेरिका में स्थित था। इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, तो वो है कठोर संविधान, कठोर संविधान जो है वो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन छठवां, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है, तो देखिए सामाजिक विभाजन का कारण धर्म भी हो सकता है, धर्म के कारण भी सामाजिक विभाजन होता है, और दूसरा है भाषा, भाषा के कारण भी होता है, ठीक है। तो यानी दोनों ऑप्शन क्या है, दोनों राइट है, तो इसमें से ऑप्शन स यानी अ और ब दोनों राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, ये क्या है, सही है, बाकी ये सब क्या है, गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
8 राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था, तो आप सभी को पता होगा इससे संबंधित 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों है, हमने कई बार बता चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग सामाजिक विज्ञान के प्लेलिस्ट में जो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना है उसमें आप लोग जरूर जाकर इसको देखिएगा, ठीक है। तो वो फ्रांस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके 60 और लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग उसको जरूर तैयार कीजिए, ये आपके पेपर में हर साल आता है। नेक्स्ट है ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है, ठीक है। तो सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है, ऑप्शन द, ठीक है, यानी जुसेपी मेत्सिनी को, ऑप्शन द राइट है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ अ कि नागरिकों में समानताओं को बढ़ा देती है, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है ब दिया हुआ है कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो यानी इसमें से दोनों ऑप्शन राइट है, ठीक है, ऑप्शन स राइट। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन कि मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। तो मृदा जो है यानी मिट्टी जो है नव्ययीकरण, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अ राइट है, नव्ययीकरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है, ठीक है, तो वो है अत्यधिक सिंचाई, यानी ऑप्शन ब राइट है, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नवत है, यानी शिशु जो बच्चे हैं वो बहुत ही कम मरते हैं, कहाँ के, तो वो केरल के, ठीक है, ऑप्शन यानी 13 का अ वाला ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट 14 क्वेश्चन सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पे वर्गीकृत किया जाता है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है रोजगार की परिस्थितियां पर, ये गलत है, ठीक है, आर्थिक क्रिया की प्रकृति पे, ये भी गलत है, उद्यम का स्वामित्व, ठीक है, ये ऑप्शन राइट है, यानी ऑप्शन स राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, भूक्षरण का मतलब क्या होता है, यानी मिट्टियों की क्षरण, ठीक है, उसी क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स वाला ऑप्शन भूमि का उपजाऊ होना, ये गलत है। नेक्स्ट है भूमि का दलदली होना, ये भी गलत है, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग, ठीक है, ये भी गलत है। इसके बाद नेक्स्ट है भूमि का अन उपजाऊ होना, तो देखिए इसमें बिल्कुल राइट आंसर जो होता है वो भूक्षरण का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन अ लिख दोगे, मार दोगे, ठीक है, यानी ऑप्शन अ जो है वो राइट है, भूमि का अनउपजाऊ होना, क्योंकि मिट्टी का कटाव जब हो जाएगा तो भूमि क्या हो जाएगी, अनउपजाऊ हो जाएगी। नेक्स्ट है गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, तो वो चंबल घाटी में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भूमिहीन ग्रामीण, यानी भूमिहीन का मतलब जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, ठीक है, यानी खेती नहीं है, तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है, तो देखिए जिसके पास भूमि नहीं है और वो ग्रामीण भी हैं, तो वो क्या कर देंगे, वो अत्यधिक मजदूरी करके अपना रोजी रोटी, ठीक है, अपने पेट चलाएंगे, तो यहाँ पे यानी कि अत्यधिक मजदूरी, अधिक मजदूरी, ऑप्शन जो है राइट। नेक्स्ट 18वां निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, ठीक है, तो कौन सा व्यापार जो है वो अवरोधकों का लक्षण नहीं है, वह है विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ठीक है, ये अवरोधकों को क्या करता है, बढ़ावा देता है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो वो है भूतापी ऊर्जा, ठीक है, और इसमें अगर आ जाता कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है तो वो है कोयला, ठीक है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई है, ये भी सही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण हुआ, ये भी सही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति में, ठीक है, सुदृढ़ हुआ है, यानी सुदृढ़करण हुआ है, ये भी सही है, ठीक है, और यानी कि सभी सही है, तो क्या हो गया, उपरोक्त सभी यानी पूरा का पूरा ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए खंड ब आ गया, ठीक है, जो कि आपका 50 नंबर का है और इसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया हुआ है, तो यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न पहला दिया हुआ है और इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न दूसरा भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहला जो वर्णनात्मक प्रश्न है इसका उत्तर आप सभी को 80 शब्दों में लिखना है, ठीक है, इसका मतलब कि आप सभी को यानी कि 1.5 पेज में आपको
इसका आंसर लिखना है, तभी जाकर आपको चार नंबर मिलेंगे। ये चार नंबर वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है इसका पूरा का पूरा हम आप सभी को आंसर के साथ बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप सभी को अपनी कॉपी में इस तरह से लिखना है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारण जो है वो निम्नलिखित है। ठीक है, पहला कारण यहाँ पे क्या है कि कृषि उत्पाद की अधिकता की समस्या का बने रहना था। ठीक है, यानी जो कृषि था उसमें काफी ज्यादा उत्पाद होती थी, यानी अत्यधिक जो किसान थे वो खेती करते थे। ठीक है, और उसको खरीदने वाला बहुत कम लोग था, और इसलिए उत्पाद जो था वो काफी अधिक था। तो पहला समस्या तो ये है। इसके बाद इससे कृषि उत्पादकों का मूल्य जो होता था वो घट जाता था। ठीक है, देखिए, क्योंकि उत्पाद अधिक हो रहे हैं, कृषि अत्यधिक हो रहा है, ठीक है, अधिक फसलें उग रहे हैं और उसको खरीदने वाले जो है वो बहुत ही कम है, तो इससे क्या होता है कि वो जो उत्पाद होता है उसके मूल्य जो होता है, उसकी रेट जो होता है वो घटा दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या हो गई कि स्थिति बहुत ही खराब हो गई। इसके बाद देखिए दूसरा कारण क्या था। तो यहाँ पे 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिकी, ठीक है, अमेरिकी से जो अमेरिका था उससे कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया था। अमेरिकी पूंजियों ने यूरोपीय देशों को ऋण देना भी बंद कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अमेरिकी जो था, अमेरिका था, वो क्या कर दिया कि लास्ट में यूरोप देशों को ऋण देना भी बंद कर दिया। ठीक है, तीसरा कारण है, अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ क्योंकि बैंकों ने, ठीक है, घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया। यानी जो भी घरेलू ऋण दिया गया था वो बैंक क्या किए कि वो वापस लेना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि ये प्रथम विश्व युद्ध जो था इसमें महामंदी हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन में दो क्वेश्चन था, आप लोग पहले वाला क्वेश्चन का आंसर लिखिए या यहाँ पे अथवा दिया इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है काफी सरल है, आप लोग इसी क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। तो यहाँ पे दूसरा है, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसको बना करके लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, यानी जो भी समस्या है आप लोग इस तरह से बना करके इसको लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये भी क्या है, चार नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद यह इस बात पर बल देता है कि, ठीक है, सत्ता की साझेदारी का कार्य मूल्यवान होता है, बहुत ही मूल्यवान है, और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, यानी इतना मूल्यवान है ये सत्ता की साझेदारी कि उसको आत्मा कहा गया है। लोगों को यह परामर्श करने का अधिकार है कि उन्हें किस प्रकार नियंत्रित किया जाए। यह एक वैध सरकार है, वह है, ठीक है, जहां भागीदारी के माध्यम से नागरिक शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। उदाहरण हो जाएगा, भारत में नागरिकों को सरकारी योजना और नीतियों की आलोचना करने का अधिकार है, यह लोकतांत्रिक प्रणाली में संभव है। और, ठीक है, जन दबाव की स्थिति, यानी जनता के दबाव की स्थिति सरकार के अपने निर्णय पर पुनः विचार का अवसर उपलब्ध कराती है। तो इस तरह से आप सभी को क्या करना है, इसका आंसर इतना ही लिखना है, यानी ये क्या है, आप सभी को इतना ही लिखना है, एक से डेढ़ पेज में लिखना है, इससे बिल्कुल भी कम लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे चार नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन में अथवा दिया हुआ है, ठीक है, जाति में राजनीति की, राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये चार नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत आपको देना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को सभी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इस वीडियो के बाद 3 घंटे की एक वीडियो आएगी, उसमें पूरे के पूरे जितने भी हम आपको वायरल पेपर बताएंगे, पूरे पेपर की सॉल्यूशन, पूरे सामाजिक विज्ञान की उसमें सॉल्यूशन, क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो में जरूर जुड़िएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद इसमें अथवा है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। ठीक है, तर्क सहित आपको उत्तर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक संचालित की जाती थी। ठीक है, पहले क्या होता था कि यहाँ पे परिवहन की ज्यादा सुविधा नहीं होती थी। ठीक है, यानी कि अगर किसी को दूसरे गांव जाना है या नानी के यहाँ जाना है, कहीं भी जाना है, तो उसको जाने में, यानी उसको पैदल जाना पड़ता था या किसी घोड़े घुड़सवारी का सहारा लेना पड़ता था। ठीक है, आज ये सुविधा बहुत ही, ठीक है, आश्चर्यजनक हो गई है और बहुत ही सुविधाजनक हो गई है। तरह से पहले क्या रहता था, अगर किसी को नानी नाना के घर जाना है अपने, ठीक है, तो अगर उसके नानी नाना काफी दूर रह रहे हैं तो उनको, उसको जाने में 10 दिन 15 दिन लग जाते थे पैदल जाने में। ठीक है, अब तो क्या है कि अब आप लोग, यानी मन में सोचे कि हाँ, नानी
के घर जाना है और आप लोग तुरंत पहुंच गए, इतना व्यवस्था हो गया है, ठीक है, इतना चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ परिवहन के क्षेत्र में भी आशातीत वृद्धि हुई है, ठीक है, यानी सोचा भी नहीं जा सकता इतना वृद्धि हुई है इसमें, ठीक है। सक्षम और तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है। परिवहन का विकास या विकास संचार साधनों के विकास से संभव हो सकता है, इसलिए परिवहन वो संचार एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। परिवहन और संचार व्यवस्था जो है वो एक दूसरे के पूरक है। आज भारत अपने विशाल आकार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, ठीक है, समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन और यहाँ पे सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके, ठीक है, सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा इसी तरह से लिखना है जैसे यहाँ पे हम आप सभी को बता रहे हैं। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए और आप लोग इसको रट लीजिए, बिल्कुल पक्का है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें चौथा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती है, विवेचना कीजिए, भी चार नंबर का। इसमें अथवा दिया हुआ अच्छे बाजार के, ठीक है, लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए, यानी इतना क्वेश्चन दिया हुआ है आप सभी को, इसका दो पेज में आंसर देना है और ये चार नंबर का है। के बाद देखिए नेक्स्ट है वर्णात्मक भाग दो, इसका आप सभी को उत्तर 150 शब्दों में देना है। 150 का मतलब आप सभी को इसका आंसर 3 से 4 पेज में देना है और बकायदे आपको हेडिंग वगैरह डालकर इसका आंसर लिखोगे तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे। ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पांचवा, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित किया। क्वेश्चन में था कि महात्मा गांधी ने कितने आंदोलन चलाए थे, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी थे इन्होंने 3 आंदोलन चलाए थे। पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ठीक है, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको इस तरह से सबसे पहले लिख देना है। आपको असहयोग आंदोलन के सिर्फ बारे में लिखना है, उसका कारण लिखना है, परिणाम लिखना है और उसे क्यों स्थगित किया गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे असहयोग आंदोलन हेडिंग डाल देना है। अब देखिए असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, ठीक है, क्योंकि इसी दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। कांग्रेस ने गांधी जी के इस योजना को स्वीकार कर लिया, ठीक है, जब ब्रिटिश सरकार ने, यानी ब्रिटिश का मतलब हो गया अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस की मांगों को मानने से इंकार कर दिया तथा जून 1920 में इलाहाबाद में, ठीक है, सर्वदलीय सभा ने और विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों को, ठीक है, और न्यायालयों में जाना बंद कर दिया था, इसलिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, तो आपको यही लिखना है। और ये क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लिए तो ये 60 क्वेश्चन में भी आता है और आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी आएगा, ठीक है, यानी कि अगर आप लोग इस एक क्वेश्चन को, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन को तैयार करोगे, ठीक है, तो आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का है। उससे लघुत्तरी क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है, बहुविकल्पी और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन का कारण पूछ रखा था क्वेश्चन में, तो आपको कारण भी लिखना है, यानी जितना बड़ा क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तभी आपको 6 नंबर पूरे के पूरे टीचर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन का कारण क्या था, तो इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे। पहला था स्वराज्य की प्राप्ति करना, ठीक है, दूसरा था खिलाफत का मुद्दा लेकर सरकार पर दबाव डालना, यानी जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद तीसरा था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ न्याय प्राप्त करना। चौथा था रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था, ठीक है। तो ये थे इनके असहयोग आंदोलन के कारण। तो यहाँ पे हमने आपको 4 कारण बताया, आपको 3 कारण ही जो इसमें से सरल है उसको याद कर लेना है। बाद आपको हेडिंग डालना है असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया या असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था, ये भी सन भी आपको तैयार कर लेना है कि कब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। परंतु 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक घटना घटित हुआ, ठीक है, यानी कि जो गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान है, यानी जो
जेल था उसमें 5 फरवरी ठीक है 1922 में एक घटना घटित हो गया जिसमें जो पुलिस वाले थे वो जिंदा जल गए थे। ठीक है तो आगे हम आपको बताते हैं, हिंसक घटना घटित हुआ जिसके तहत भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी। ठीक है जिसमें थानेदार सहित यानी 22 पुलिसकर्मी जो है वो जिंदा जलकर मर गए थे। ठीक है इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। ठीक है वापस ले लिया तो इस कारण से जो महात्मा गांधी थे वो अपने इस असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे यानी वापस ले लिए थे क्योंकि इसमें पुलिस वाले क्या हुए थे जलकर मर गए थे इस कारण से। इसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है आपके लघु उत्तर क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या था, तो अगर आप लोग को तैयार रहेगा तभी आप लोग लिख पाओगे। तो यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या था, इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको इतनी बड़ी क्वेश्चन नहीं याद होती है तो अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि सामाजिक विज्ञान में दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को या लघु उत्तरी क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे लिखे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है तो यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन का परिणाम क्या था, तो यहाँ पे पहला है कि इस आंदोलन ने जनता को निर्भीक बना दिया। ठीक है यानी कोई न कोई आंदोलन होता है तो उससे जनता को सीख मिलता है, निर्भीक बना देता है, वो निडर हो जाता है। ठीक है तो वही असहयोग आंदोलन से भी हुआ। नेक्स्ट दूसरा, असहयोग आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तन किया, यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन था ठीक है इस आंदोलन के होने के बाद वो आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तन हो गया, यानी जन आंदोलन का मतलब कि जनता के आंदोलन में परिवर्तन हो गया। ठीक है तीसरा है स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया था तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। अब जब असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था ठीक है तो क्या होता था कि भारतीय लोग विदेशी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते थे और सभी लोग, जब ये असहयोग आंदोलन हो गया तो लोग क्या करने लगे भारतीय लोग कि स्वदेशी जो अपने देश में होता था सामान कपड़े वगैरह ठीक है खादी के उन सब चीजों का यूज करने लगे और जो विदेश के जो अंग्रेजों के सामान थे उसका बहिष्कार करने लगे। तो ये था इसका तीन परिणाम। आप लोग पूरे के पूरे जितना भी हमने यहाँ पे हेडिंग बताया है सभी को आप लोग तैयार कर लीजिए और इतना लिखोगे तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे, इससे कम लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है अथवा, इसमें दिया हुआ सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी का क्या विचार थी, ये भी क्या है 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है अगर आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान में कुछ भी नहीं आ रहा है, कमजोर हो ठीक है और कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया उसको आप लोग नहीं लिख पा रहे हो, तो अगर आपको इससे संबंधित ट्रिक की वीडियो चाहिए तो आप लोग जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा, सभी लोग हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन चैनल पे है ठीक है आप लोग जरूर देखें। नेक्स्ट है वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी है, जिम्मेदारियों वैध सरकार का गठन करता है, ठीक है ये भी 6 नंबर का है। नेक्स्ट है 7वां, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अथवा इसमें दिया हुआ है भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए ठीक है उपयुक्त तो भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, यानी आप सभी को मोटे अनाज में जैसे चना हो गया ठीक है गेहूं वगैरह हो गया ये सब मोटे अनाज होते हैं, तो आपको इसके लिए इसमें किस प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, कैसा मानसून होना चाहिए, यही सब आपको भौगोलिक परिस्थितियों में लिखना है। ठीक है इसके बाद नेक्स्ट 8वां, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार है, क्या आप इस कथन से सहमत है, कारण सहित उत्तर दीजिए, अभी 6 नंबर का है। अथवा इसमें मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए, ठीक है ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया मानचित्र संबंधित प्रश्न, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप सभी को इस मानचित्र में क्या करना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे कक्षा लिखना है क्लास, और यहाँ पे पेपर कोड लिखना है। ठीक है तो यहाँ पे आप लोग अपने रोल नंबर लिख सकते हो, हमने यहाँ पे कोई भी रोल नंबर जैसे इस तरह से लिख दिया 10 अंकों का, ठीक है तो इस तरह से आपको 10 अंकों का रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लास लिखना है क्लास 10,
इसके बाद यहाँ पे पेपर कोड, ठीक है। पेपर कोड में क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पे जो पेपर कोड दिया हुआ है यानी 825, ठीक है, 20Z, तो इस तरह से आपको इसी कोड को लिखना है। तो यहाँ पे 825, ठीक है, कोष्टक में 20Z, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, तभी आपका बिल्कुल सही सही टीचर के पास ये मानचित्र वाला पेपर जाएगा। और ये जो मानचित्र है ये आप सभी को बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको इसको किस तरह से भरना है, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि जो आपके क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में जो मानचित्र वाले प्रश्न होते हैं वो आपके पेपर में किस तरह से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये 14 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में यानी चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, ठीक है। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आप सभी को यानी आधा प्लस आधा एक नंबर निर्धारित है। आधा अगर आप लोग सही नाम लिखते हो और आधा अगर आप लोग इस मानचित्र में सही से दर्शाते हो उस स्थान को कि वो स्थान कहाँ पे है, ठीक है, तो आपको आधा नंबर यानी कि एक नंबर का ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है, और पर क्वेश्चन के लिए एक नंबर है यानी 5 नंबर का यहाँ पे है। जो पार्ट है ये इतिहास का है, ठीक है, इसके बाद भी पार्ट दिए हुए 5 नंबर का वो भूगोल और नागरिक शास्त्र से है, तो उसके बाद भी हम आप सभी को बताएंगे। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मानचित्र का सबसे पहला क्वेश्चन है 14 का पहला, की वो स्थान जहाँ वर्ष 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यानी कहाँ पे जो कांग्रेस है वो अपना अधिवेशन किया था 1927 ईस्वी में। तो आपको इसका आंसर किस तरह से, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कॉपी में लिखना है और उसके बाद हम आप सभी को बताएंगे कि आपको ट्रिक से कैसे इस मानचित्र में भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आपको, ठीक है, इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे ऊपर आपको लिख देना है मानचित्र कार्य, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैप वर्क यानी मानचित्र कार्य। तो यहाँ पे आपको लिख देना है मानचित्र कार्य, इस तरह से आपको मानचित्र कार्य लिखना है। इसके बाद नीचे आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए प्रश्नोत्तर संख्या। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 14 था तो यहाँ पे आपको 14 लिख देना है, इस तरह से। इसके बाद आपको यहाँ पे अंडरलाइन इसके नीचे कर देना है। इतना लिखने के बाद आप सभी को यहाँ पे पहला लिख देना है यानी 14 का पहला। इसके बाद इतना लिखने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि वो स्थान जहाँ वर्ष 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था, ठीक है, तो वो कहाँ किया था, मद्रास, ठीक है, मद्रास कहाँ है, चेन्नई में, यानी मद्रास में किया था। तो इसका आंसर सबसे पहले आपको लिखना है, फिर आपको मानचित्र में भरना है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है मद्रास, ठीक है, इस तरह से मद्रास आप सभी को लिख देना है और यहाँ पे आप लोग कोष्टक में चेन्नई लिख सकते हो। तो यहाँ पे मद्रास यानी कि चेन्नई में। अब इसके बाद आप सभी को इसको मानचित्र में किस तरह से भरना है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हम आपको सब कुछ बताएंगे, बहुत ही अच्छी ट्रिक से बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैप है, ठीक है, मानचित्र है, इसमें मद्रास कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे देखिये जो मद्रास है वो कहाँ पे स्थित है, वो तमिलनाडु के आसपास ही स्थित है, ठीक है, और तमिलनाडु जो है वो इस मानचित्र में तमिलनाडु सबसे नीचे है, यानी यहाँ पे जो है ये जो भाग है ये तमिलनाडु का भाग है। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आप सभी का मद्रास है और यहाँ पर ही 1927 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पे आपको लिख देना है मद्रास, ठीक, आप लोग यहाँ पे चेन्नई भी यहाँ पे नीचे लिख सकते हो और इस मद्रास को आप लोग इस अंदर भी लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, इसी तरह आपको भी लिखना है, यहाँ पे आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने कॉपी में सही आंसर भी लिख दिया और यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों ने मानचित्र में भी सही से दर्शा दिया। अब आप सभी को टीचर क्या करेंगे कि एक नंबर पूरे के पूरे नंबर दे देंगे। नेक्स्ट है 14 का दूसरा, वो स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, ठीक है, तो ये भी एक नंबर का है। तो महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ पे चलाया था, तो वो अहमदाबाद में यानी कि साबरमती आश्रम में चलाया था। तो आप सभी को इसको क्या करना है, दर्शा देना है आपको सबसे पहले कि लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है साबरमती आश्रम।
इस तरह से लिखना है। इसके बाद आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो देखिए मानचित्र में साबरमती आश्रम यानी साबरमती जो आश्रम है वो अहमदाबाद में है। तो आप सभी को यानी कि ये जो आकार दिख रहा है ये हल्का आप सभी को डायनासोर के मुंह की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो इसी डायनासोर के मुंह में ही क्या है, अहमदाबाद है। तो यहाँ पे आप सभी को जैसे कि यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे अहमदाबाद है, तो यहाँ पर ही आप सभी का साबरमती आश्रम है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है यहाँ पे आपको लिख देना है इस तरह से, या आप लोग यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से तीर लगाते हुए यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे आपका जगह नहीं है तो इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें नेक्स्ट है कि वो स्थान जहाँ कांग्रेस ने अपना कांग्रेस अधिवेशन 1929 में किया था, ठीक है, तो वो कहाँ किया था, तो वो लाहौर में किया था। लाहौर कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो आपको किस तरह से लिखना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख देना है लाहौर। इसके बाद अब मानचित्र में आपको लिखना है, तो यहाँ पे मानचित्र में देखिए लाहौर जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो जो मानचित्र है, ठीक है, उसमें लाहौर यहाँ पे स्थित है, यानी यहाँ पे क्या है, लाहौर, इस तरह से यहाँ पे लाहौर है। यहाँ पे इस तरह से अगर आप लोग करते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इस तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था, ठीक है, तो वो कौन सा स्थान है, वो चंपारण है। चंपारण कहाँ पे पड़ता है, बिहार में। तो यहाँ पे इस भारत के नक्शे में जो बिहार का क्षेत्र है, ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये बिहार का क्षेत्र है, और ये जो पूरा बड़ा सा क्षेत्र है ये अपना यूपी है, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार जो है यहाँ पे है, और इसी में आपका चंपारण है। तो यहाँ पे क्या है, चंपारण है, ठीक है, क्या है, चंपारण, इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है चंपारण। इसके बाद देखिये इसमें भी आपको लिख देना है चंपारण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था 1919 ईस्वी में। तो अमृतसर जो है, ठीक है, वो कहां पे है इस भारत के मानचित्र में, तो देखिए जो अमृतसर है ना वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिये जो यहाँ पे है यानी इसी लाहौर के आस पास जो है वो अमृतसर है, तो यहाँ पे क्या है, अमृतसर है, ठीक है। इस तरह से आपको अमृतसर लिख देना है और यहाँ पे भी लिख देना है। तो यहाँ पे क्या है, अमृतसर, इसी जगह पे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ये तो था आप सभी को सिर्फ नाम लिखने के लिए, और यहाँ पे इसके बाद आता है क्वेश्चन, आपको चिन्ह द्वारा उसको दर्शाना है। देखिए मानचित्र कार्य वाला, ठीक है, क्वेश्चन आ गया फिर से 28। यहाँ पे देखिए 10 नंबर का आता है, तो हमने 5 नंबर का आपको बता चुके हैं और 5 नंबर का ये है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टिहरी बांध, आपको यहाँ पे एक चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, इसी चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। अगर आप लोग बिल्कुल सही सही दर्शाते हो तो आपका यहाँ पे आधा प्लस आधा एक नंबर पक्का है। तो यहाँ पे देखिए जो टिहरी बांध है वो कहाँ पे मानचित्र में स्थित है और उसको आपको किस तरह से दर्शाना है। क्वेश्चन में जिस सिंबल से यहाँ पे बोला है, ठीक है, जिस चिन्ह से आपको इसी चिन्ह को बनाना है और वहाँ पे टिहरी बांध लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए जो टिहरी बांध है वो मानचित्र में, ठीक है, यहाँ पे है जो टिहरी बांध है वो स्थित है। तो आपको इस तरह से सिंबल बना देना है, जो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है उसी सिंबल को आपको बनाना है। तो यहाँ पे हमने बना दिया और यहाँ पे आपको लिख देना है टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभ्रक उत्पादन का जो भी भारत में क्षेत्र है उसको आपको इसी चिन्ह से, यहाँ पे जो त्रिभुज के आकार का चिन्ह दिया है इसी से आपको मानचित्र में दर्शाना है। यहाँ पे जो अभ्रक उत्पादन का क्षेत्र भारत में वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, सबसे ज्यादा अभ्रक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। तो आपको मानचित्र में आंध्र प्रदेश कहाँ पे है सबसे पहले ये जानना होगा। तो देखिए जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये जो भाग है ये तमिलनाडु का है और इस और यहाँ पे मद्रास चेन्नई और इसी के बगल में यानी ये जो क्षेत्र है ये पूरा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है।
ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है त्रिभुज के आकार का, आपको उस त्रिभुज को इस तरह से बना देना है और यहाँ पे लिख देना है आंध्र प्रदेश से आपको लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र, ठीक है, इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए जो भारत में आणविक ऊर्जा का क्षेत्र है वो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु है। तो सबसे जो फेमस है वो तमिलनाडु है, और तमिलनाडु ये जो नीचे वाला भाग है मानचित्र का, यानी ये जो यहाँ पे हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा तमिलनाडु का है और तमिलनाडु इसी जगह है। तो आपको ये चिन्ह द्वारा क्या करना है, पहले आपको ये चिन्ह बना देना है इस तरह से और यहाँ पे लिख देना है आपको तमिलनाडु। ठीक है, इस तरह से आपको क्या लिखना है, तमिलनाडु। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी, यानी नदी की सिंबल इस तरह से होता है, ताप्ती नदी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो जो ताप्ती नदी है वो सूरत में है, ठीक है, और सूरत कहाँ पे है, तो इस तरह से आप सभी को जो सूरत है, ठीक है, वो यहाँ पे है, यानी इसी अहमदाबाद के अगल बगल सूरत है, यहाँ पे क्या है, सूरत है, और इसी जगह क्या है, ताप्ती नदी बहती है। तो आपको यहाँ पे सिंबल बना देना है, जो सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है नदी का सिंबल, आपको इस तरह से बना देना है और यहाँ पे लिख देना है ताप्ती नदी, तापी नदी। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए तापी नदी को आपको लिख देना है, ठीक है, इसी ताप्ती नदी को ही तापी नदी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, प्रयागराज नगर, ठीक है, इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिये जो प्रयागराज है वो कहाँ पे है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ के आसपास है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जो उत्तर प्रदेश का भाग है, ये हमने आप सभी को बताया कि ये जो भाग है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का भाग है और इसके बगल में बिहार है। तो यहाँ पे यानी ये जो भाग है यहाँ पे हम लिख देते हैं लखनऊ, ठीक है, यूपी का भाग है और इसी के ही यहाँ पे क्या है, प्रयागराज है, ठीक है। तो आपको उसी सिंबल से दर्शाना है जो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, चिन्ह उसी से ही दर्शाना है। तो ये जो चिन्ह है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज नगर इस सिंबल से आपको दर्शाना है, इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे दर्शाया हुआ है। आपको ये पूरा मानचित्र इसी तरह से भरना है जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इस तरह से, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 28 लिख करके यहाँ पे जितने भी है आप लोग जो भी लिखे हो आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो अभ्रक उत्पादन था वो तमिलनाडु में था, तो आप लोग इसमें तमिलनाडु लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो प्रयागराज है वो यूपी में है, तो आपको यूपी में लिख देना है, ठीक है। ताप्ती नदी सूरत में है, तो वो सब आपको यहाँ पे लिख देना है। आप लोग इसमें लिखिए या ना लिखिए, आपको सिर्फ यहाँ पे दर्शा देना है, बस हो जाएगा। आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेगा अगर आप लोग ऐसे भरते हो तब, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप लोग भरिए और आपको पूरे के पूरे 10 नंबर मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।